फिकेशन रिएक्शन जो हमने की है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की उसके बाद जो सेकेंड रिएक्शन आएगी जिसमें हम ओ OH एच ग्रुप की रिएक्शन कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ही जो जैसे चैप्टर का नाम भी लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स तो इसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बाद कुछ एसिड डेरिवेटिव्स करने हैं तो कई रिएक्शन जो उनकी हैं जो उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है जैसे वो तो हम इनकी केमिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में ही कवर कर लेंगे जैसे अभी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड प्रिपेयर करने लगा हूं तो यही रिएक्शन एसिड uh, क्लोराइड्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में भी कंसिडर होगी तो अब एसिड क्लोराइड से कैसे सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड्स कैसे बनाए जा सकते हैं आप लिख सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी कन्वर्टेड टू एसिड क्लोराइड्स बाय रिएक्शन विद फॉस्फोरस हेलाइड्स, फॉस्फोरस के आपको पता है दो तरह के हेलाइड्स होते हैं हेलाइड्स और पेंटा फॉस्फोरस हेलाइड्स और विद थायोनिल क्लोराइड तो ये वाली रिएक्शन हमने की थी जब हम अल्कोहल्स कर रहे थे अल्कोहल्स में से ओएच OH ग्रुप को रिप्लेस करके हम हेलोजन लगाते थे यानी कि हेलो की प्रेपरेशन तो वही रिएक्शंस अब फिर से रिपीट हो रही हैं। पहले हमने उन रिएक्शंस को किया था इन मेथड्स ऑफ ऑफ एलो में फिर उसके बाद हमने किया इन दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स और अब कर रहे हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में फिर इसके बाद आप करोगे इन मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ क्लोराइड्स तो तभी हम कहते हैं कि जब एल डी हाइड की खत्म हो जाए तो जो काफी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है मोर देन ऑफ़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ फिनिश्ड बाकी यहां पर सभी जो रिएक्शन हैं वो रिपीट ही होती हैं तो अब जो फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड हम करने लगे हैं ये हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड लें हम कोई भी तो उसमें चाहें तो एसओ सी एल टू एड कर दें एसओ सी एल टू को थायोनिल क्लोराइड कहा जाता है अल्कोहल में आपने किया था कि अल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने वाले इस प्रोसेस को हम डार्जन मेथड बोलते थे तो यहां पर एसिड क्लोराइड बन जाएगा जैसे तब मैंने आपको बताया था कि एसओ सी एल टू भी दो क्लोरीन देकर एक ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेती है यानी कि एसओ सी एल टू जो है वो एसओ टू गैस में कन्वर्ट हो जाएगी प्लस एक क्लोरीन जो है वो कार्बन को मिली ये एसिड क्लोराइड बना और दूसरी क्लोरीन हाइड्रोजन को मिलेगी तो इससे एच सी एल गैशियस बनेगा तो इस तरीके से दोनों जो बाई प्रोडक्ट्स हैं SO2 और HCl ये दोनों गैशियस होने के कारण ये एस्केप कर जाते हैं रिएक्शन मिक्सचर से तो हमें जो प्रोडक्ट है उसकी प्योरीफिकेशन या सेपरेशन का झंझट इतना नहीं करना पड़ता तो इसलिए ये वाला मेथड हम बेस्ट मानते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स अब इसी तरीके से अगर हम फॉस्फोरस के हेलाइट यूज करें तो वो भी यूजफुल होंगे इन कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स टू एसिड क्लोराइड्स जैसे पीसीएल फाइव अगर यूज किया जाए तो इससे हमें मिलता है अगेन बेंजोइल क्लोराइड प्लस पीओ सी एल थ्री क्योंकि PCl5 ने दो क्लोरीन इधर दी तो एक ऑक्सीजन बीच में से आ गई एक क्लोरीन मिली कार्बन को दूसरी क्लोरीन मिली हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन आके फास्फोरस के साथ अटैच हो गई प्लस एच तो यही रिएक्शन हमने जो है इसका हम अभी मैकेनिज्म भी करेंगे तब देखेंगे कि PCl5 जो है ये किस तरीके से जो OH ग्रुप को क्लोरीन से रिप्लेस कर देता है और बिल्कुल ऐसे ही अगर हम पी सी एल थ्री यूज करें तो पी सी एल थ्री से भी एसिड क्लोराइड जो है वो फॉर्म हो जाएगा अब अगर ऐसी ही रिएक्शन को थोड़ा बेंजोइक एसिड को ब्रीफ में लिखना हो तो इसको हम लिख लेते हैं एज पी एच सी ओ ओ एच पी एच हेयर स्टैंड फॉर द फिनाइल ग्रुप जो बेंजीन रिंग होती है या सी सिक्स एच फाइव ग्रुप होता है उसके लिए यहाँ पर पीएच मैंने यूज किया है अब पीएच की बजाय आप लोग सी सिक्स एच फाइव भी लिख सकते हो तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो उसमें PCl3 ऐड थ्री एड करेंगे तो हमें तीन ओ एच OH ग्रुप्स चाहिए इसलिए थ्री मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर यूज किए जाएंगे तो इनसे आपको मिलेगा थ्री मोल्स ऑफ बेंजोइल क्लोराइड और प्लस एच थ्री पी ओ थ्री क्योंकि तीन ओ एच ग्रुप के साथ आके अटैच होंगे तो वो फॉस्फोरस एसिड बनाते हैं जिसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं तो इस तरीके से हमने अभी देखा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनको बड़ी इजीली हम एसिड क्लोराइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग देम विद एसओसी और पीसीएल फाइव और पीसीएल थ्री तो इन तरीकों से हमने इनको एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर लिया और अब जो PCl5 फाइव के साथ रिएक्शन करके हमने या SOCl2 टू के साथ रिएक्शन करके हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स को एसिड क्लोराइड्स में कन्वर्ट किया था तो उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म भी आप लोग समझ लो क्योंकि अगर हमें मकैनिज्म भी थोड़ा बहुत क्लियर हो तो हम प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बड़ी इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं अब पहले हम करते हैं पीसीएल फाइव वाली रिएक्शन कि जैसे कोई भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड लें मैंने मैं उसका जनरल फॉर्मूला ही लिख रहा हूं आर सी ओ ओ एच आर इज एनी अल्काइल ग्रुप अब इस ऑक्सीजन के ऊपर जैसे दिखाई दे रहा है दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये रिएक्ट करेगा विद पी सी एल फाइव पांच क्लोरीन एटम्स फॉस्फोरस के साथ अटैच्ड हैं। मैंने एक क्लोरीन को अलग से शो किया है क्योंकि रिएक्शन जब स्टार्ट होनी है तो ऐसे ही होगी अब रिएक्शन होगी स्टार्ट कैसे तो उसके लिए आप एक लाइन लिख लो द रिएक्शन स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द ओ एच ग्रुप ऑक्सीजन ऑफ द ओ एच ग्रुप इन दर्बो कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे पहला स्टेप जो होगा ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये इस फॉस्फोरस के ऊपर अटैक करेगी अब फॉस्फोरस के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स तो होते ही हैं तो ये इसलिए लोन पे इजिली वहां पर जाकर अकोमोडेट हो सकता है तो फिर इसके बाद रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगी ये हमें देखना होगा तो यहां से फिर ये वाला बॉन्ड जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर रहते हैं एक लोन पेयर तो इसका फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो गया तो दूसरा जो इसका लोन पेयर इसने वापस अपना जनरेट करना है वो यहां से हाइड्रोजन को लूज करके ये बना लेगी यानी कि यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा एज एच पॉजिटिव आयन तो इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा विद दी फॉस्फोरस एटम पी फोर जो है ये चीज हमें ऑब्टेन होगी और यहाँ पर एक एच जो है वो लूज हो चुका है यहाँ से जो क्लोरीन है मैंने अलग करके दिखाई ये लूज हो जाती है एज सी नेगेटिव और इधर से एच पॉजिटिव ये एच पॉजिटिव और सी नेगेटिव मिलकर एच बना देते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है कि यहाँ पर जो PCl4 ग्रुप है इसको भी मैं PCl3 और एक क्लोरीन अलग करके लिख देता हूं ताकि जो अगले स्टेप में कन्वर्जन होनी है वो थोड़ी क्लियर रहे आपको अब इसके बाद किस तरीके से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगी कि यहां से जो ये बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इधर तो फास्फोरस और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाली जो क्लोरीन है ये अपना इलेक्शियड इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाकर इधर कार्बोनिल कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगी तो हमें जो प्रोडक्ट ऑबटेन होना है वो मिलेगा सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ये क्लोरीन जुड़ी और इधर से ऑक्सीजन सेपरेट हो गई तो प्लस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनेगा विदोरस तो ये कंपाउंड बना है POCL3. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम पी सी एल फाइव एड करें तो उससे रिएक्शन होने के बाद एसिड क्लोराइड और पीओ सी एल थ्री जो है वो फॉर्म हो जाता है फिर अब हम देखेंगे कि रिएक्शन जो विद थायोनिल क्लोराइड थी वो किस तरीके से प्रोसीड करेगी वो भी कुछ ऐसी ही रिएक्शन होगी तो हम उसका मैकेनिज्म देखते हैं तो उसके लिए भी बिल्कुल वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका जो लोनपे वाला ऑक्सीजन है या ओ एच ग्रुप वाला जो ऑक्सीजन है ये इधर सल्फर के ऊपर अटैक करेगा जिसका डबल बॉन्ड है विद ऑक्सीजन तो जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होगी बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ़ ऑफ़ ऑक्सीजन ग्रुप तो ये ऑक्सीजन से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इधर सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल तो अवेलेबल होते हैं तो वो हेल्प करते हैं वो अकोमोडेट कर लेते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर तो इस तरीके से जो रिएक्शन है वो थोड़ी इजीली चल पड़ती है अब ऑक्सीजन का लोन पेयर तो इधर बॉन्ड बनाने में कोर्डन बॉन्ड बनाने में कंज्यूम हो गया तो ऑक्सीजन फिर अपना लोन पेयर जो है वो जनरेट करती है इधर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेती है मतलब यहां से हाइड्रोजन लूज हो जाएगा एज एच पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन अगर लूज हुआ एज एच पॉजिटिव आयन तो इधर से सी एल नेगेटिव निकल जाएगा यानी कि अब टोटल हमें इधर से है, H पॉजिटिव यहां से Cl नेगेटिव मिलकर बना देंगे HCl तो HCl के लॉस के बाद जो अगला हमें कंपाउंड मिलेगा वो ऑक्सीजन के ऊपर तो दोनों लोन पेयर्स वापस आ गए इसका बॉन्ड बना होगा विद लाइक दिस ये वाला हमारे पास जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो बन जाएगा अब फिर इसमें हमारे पास इंटर कन्वर्जन होनी है कि यहां से ये वाला बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाएगा इधर सल्फर और ऑक्सीजन में आ जाएगा डबल बॉन्ड और इधर से ये वाली जो क्लोरीन है ये इस कार्बोनिल कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगी तो इस तरीके से हमें मिलेगा एसिड क्लोराइड प्लस SO2 तो अब ये जो मैंने आपको दो मैकेनिज्म करवाए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से जो हम एसिड क्लोराइड बना रहे थे कि PCl5 कैसे रिएक्ट करता है और SOCl2 कैसे रिएक्ट करती है अब ये रिएक्शन जो हैं ये मैकेनिज्म जो हैं ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतने इफेक्टिवली काम के नहीं हैं क्योंकि पेपर में आपको इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म नहीं पूछे जाएंगे पर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानने हमारे लिए जरूरी होते हैं और इनमें बात क्या याद रखनी है कि रिएक्शन स्टार्ट कैसे होती है रिएक्शन स्टार्ट होती है बाय द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ ऑक्सीजन ऑफ दी ओएच ग्रुप ऑन फास्फोरस एटम और सल्फर एटम पीसीएल फाइव में फास्फोरस के ऊपर अटैक होता है तो एसओ में थायोनिल क्लोराइड में सल्फर के ऊपर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो होता है तो इस तरीके से जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करती है तो इसके साथ जो हमारे पास ये फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स था ये खत्म होता है हमने पूरी डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया अब यही रिएक्शन आगे आएगी मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स में तो इसके बाद जो थर्ड रिएक्शन है ये वाली रिएक्शन भी आगे जाके रिपीट होगी एसिड अमाइड्स की प्रेपरेशन में फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड्स अब एसिड अमाइड्स क्या होते हैं जिनमें अमाइड ग्रुप हो यानी कि सीओ एन एच टू ग्रुप हो तो यह किस तरीके से फॉर्म होते हैं एसिड हमें पता है कि सफिशियंटली एसिडिक होते हैं और अमोनिया तो एक नॉन बेस है यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड एच पॉजिटिव आइन लूज करेगा तो अमोनिया उसको गेन कर लेगा तो इस तरीके से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ने एच पॉजिटिव लूज किया तो उसके ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अमोनिया ने अगर प्रोटोन गेन किया तो उसके नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइन्स जो हैं ये तो एक दूसरे के साथ अटैच होने ही हैं तो इस तरीके से हमें अमोनियम सॉल्ट मिला कार्बोक्सिलिक एसिड का जैसे इस केस में अमोनियम इथेनोएट या अमोनियम एसीटेट कहा जाएगा इसको फिर हम इसको थोड़ा सा अगर हीट करें हीट करने से एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा H2 नाइट्रोजन से और O ये वाला तो हमें मिलता है एसिड अमाइड एस प्रोडक्ट एसिड अमाइड प्लस वाटर तो अगर हम लो टेम्परेचर पर ही रिएक्शन करें तब तो अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन ही होती है पर अगर थोड़ा सा हीट कर दिया जाए रिएक्शन मिक्सचर को तो तब हमें एसिड अमाइड ऑबटेन होता है तो इस तरीके से हमने अभी देखा कि एसिड अमाइड जो है, वो किस तरह से बनता है पर एसिड अमाइड की जो कमर्शियल प्रेपरेशन है उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली यूज नहीं करते उसमें एसिड क्लोराइड यूज करते हैं जो हमने पिछली रिएक्शन में अभी कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनाया था तो आप लिख सकते हो एसिड आर बेटर प्रिपेयर बाय रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स विद अमोनिया रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद अमोनिया जैसे ये एसिड क्लोराइड लिया मैंने इथेन क्लोराइड, इसमें अगर अमोनिया ऐड करें हम तो बिल्कुल वैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो ये न्यूक्लिय अटैक करेगी ओवर कार्बोनिल कार्बन तो नाइट्रोजन से H पॉजिटिव जाएगा और ये सी एल नेगेटिव मिलकर लूज हो जाएंगे एच की फॉर्म में और हमें मिलेगा एक मॉलिक्यूल एसिड अमाइड का विद एच तो इस तरीके से जो एसिड अमाइड बनता है कमर्शियली ज्यादा हम इसी मेथड से बनाते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड करने के बाद जो लास्ट रिएक्शन है ओ एच पार्ट वाली वो होगी फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स तो एनहाइड्राइड्स भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ही डेरिवेटिव्स होते हैं तो इसी रिएक्शन को यूज किया जाता है इन मेथड्स ऑफ ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। पहले हम एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर देखते हैं कि दो मोल हम लेंगे इथेनोइक एसिड के तो इनमें से वाटर लूज करवा के हम एसिड एनहाइड्राइड बनाएंगे मैं दोनों मॉलिक्यूल्स इकट्ठे ही लिखकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होगी यहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानि कि वाटर खींचने वाला P2O5 और फॉस्फोरस पेंटोक्साइड यूज़ करेंगे इसकी प्रेजेंस में जो डिहाइड्रेशन है या लॉस ऑफ वाटर है वो थोड़ा इजीली हो जाता है तो यहां से इस तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो आप देख सकते हो एक बॉन्ड ऑक्सीजन का ब्रेक हुआ और दूसरा एक बाउंड कार्बोनिल कार्बन का ब्रेक हुआ तो दोनों एटम्स में एक बाउंड और फॉर्म हो जाएगा और यहां पर हमें मिलेगा एसिड एनहाइड्राइड। तो इथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड है इसलिए इसको नाम दिया जाता है इथेनोइक एनहाइड्राइड तो P2O5 यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है वाटर और P2O5 मिलकर नो डाउट फॉस्फोरिक एसिड जो है वो बना देते हैं और जो एसिड एनहाइड्राइड मैंने अभी आपके सामने बनाया ये सिर्फ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स नहीं बनाते बल्कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बिल्कुल सिमिलर वे में ये रिएक्शन शो करके बना देते हैं तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड जो है उसको मैंने इस तरीके से लिख लिया कि बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर ड्रा करने की बजाय उसको C6H5 से रिप्रेजेंट किया है तो बिल्कुल पहले जैसे ही दो मॉलिक्यूल आएंगे बेंजोइक एसिड के इनको हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड तो एक वाट वाटर मॉलिक्यूल के लॉस के बाद हमें मिल जाएगा बेंजोइक एनहाइड्राइड का मॉलिक्यूल तो मतलब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हमें एसिड एनहाइड्राइड्स बनाने होंगे तो किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करना होगा तो इस तरीके से जो एसिड एनहाइड्राइड्स हैं वो तो अपने आप ही फॉर्म हो जाएंगे अब जो P2O5 की प्रेजेंस में ये एसिड एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हुई है इसका मैकेनिज्म कैसे चलता है यानी कि ये रिएक्शन अगर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो कैसे प्रोसीड करेगी ये हम देखते हैं अभी इसके मैकेनिज्म में तो ये जो मैकेनिज्म मैंने आपको करवाए हैं अभी इससे पहले भी दो रिएक्शन में और अब भी जो करवा रहा हूं ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है अब कंपटीशन तो ऑब्जेक्टिव है तो वहां पर हमें ऐसे मकैनिज्म शो करना तो नहीं आएगा पर मकैनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी जा सकती है कि रिएक्शन जैसे स्टार्ट किस तरीके से हुई अब जैसे हम देखें कर जो है इसके ऊपर सबसे पहले प्रोटोनेशन होती है या प्रोटोन का अटैक होता है एच पॉजिटिव आए तो डेफिनेटली ओ एच नेगेटिव वाली ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा क्योंकि यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा अवेलेबल होता है जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है वहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम होने के कारण प्रोटोन का अटैक जो है वो ओएच OH ग्रुप वाली कार्बन के ऊपर ही ज्यादा रेडिली हो जाता है तो इधर आके हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड बनने से पहले लोन पेयर जो है ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर है पर जब एक बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड बनने के बाद एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के शेयर में चला गया अब था वो ऑक्सीजन का तो इस तरीके से ऑक्सीजन का तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो ये फिर कार्बोनिल कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगी तो अब इसी टाइम पे ही जो H पॉजिटिव निकला था किसी और कार्बोक्सिलिक एसिड से तो उसका कार्बोक्सिलेट आयन जो बना था वो अटैक करेगा ओवर कार्बोनिल कार्बन तो यहां से ये लोन पेर जो आएगा तो इधर कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो इस अटैक के कारण जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट स्टडी किया था कि वेना न्यूक्लियोफाइल अप्रोच इज ए पाई बॉन्डेड कार्बन द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम द कार्बन टू तो विच द अटैकिंग रिएजेंट गेट्स फाइनली अटैच तो इस तरीके से ये माइनस ई इफेक्ट या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की एक एग्जाम्पल यहां पर देखने को मिल रही है ये वाली ऑक्सीजन का बॉन्ड जाके इस कार्बन से बन जाएगा और इधर ओ एच टू पॉजिटिव ये वाला ग्रुप है तो अब इसके बाद यहां से वॉटर मॉलिक्यूल जो है वो लूज होगा ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ले जाएगी और अब कार्बन का बॉन्ड एक ब्रेक हुआ तो ऊपर से ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो वापस पीछे ट्रांसफर हो जाएगा तो हमें प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा सबसे पहले ये है एल्काइल ग्रुप आर उसके बाद सी का बन जाएगा डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और इस कार्बन के बाद है सिंगल बॉन्ड से अटैच एक और ऑक्सीजन और इसके आगे तो सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर हमें स्पष्ट दिखाई दे ही रहा है तो इस तरीके से जो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है वो प्रोसीड करती है तो ये हमने देख लिया विद मैकेनिज्म। एस्टरीफिकेशन नहीं सॉरी डिहाइड्रेशन रिएक्शन तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो है ये हम देखते हैं अभी कि कैसे प्रोसीड की तो जो हम एसिड एनहाइड्राइड्स बना रहे हैं इस तरीके से जो मैंने आपको विद मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया तो इसमें एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि कमर्शियली हम जो एसिड एनहाइड्राइड्स हैं वो किस तरीके से बनाते हैं तो आप लिख सकते हो कमर्शियली दसिड एसिड एनहाइड्राइड्स आर प्रिपेयर बायट्रीटिंग दोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सरिक एसिड विद एसिड क्लोराइड तो एसिड क्लोराइड भी हमने अभी बनाने सीखे थे आज ही तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर रिएक्शन की जाए विद सोडियम मेटल और विद अल्कली तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो बड़ी इजीली बन जाता है और एसिड क्लोराइड्स भी मैंने आपको बनाने अभी सिखाए हैं तो ये एसिड क्लोराइड और इधर लिया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बात तो आपको पहले भी बताई गई है हेलो एल्केन्स में हेलोजन और मेटल जब कभी भी आमने सामने हुए या इकट्ठे हो सके तो इमीजिएटली ये मैटल हेलाइड की फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे और हमें मिलेगा जो ये ऑक्सीजन है इसका बॉन्ड बन जाएगा विद नेक्स्ट कार्बोनिल ग्रुप तो इस तरीके से हमें तो एसिड एनहाइड्राइड ही ऑब्टेन होगा तो जो एसिड एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन है इसके लिए सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही हम यूज़ नहीं करते बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ साथ हम जो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ़ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं या पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनकी रिएक्शन करके विद एसिड एनहाइड्राइड्स हम ये वाली जो रिएक्शन है या एसिड एनहाइड्राइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं सिर्फ डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं तो इस तरीके से जो हम रिएक्शन कर रहे थे ड्यू टू तो पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो भी खत्म होती हैं तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन हैं थर्ड टाइप की केमिकल रिएक्शन हैं द रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप ओनली अब जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो पूरा पूरा पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप बोल देते हैं या करबोक्सिल ग्रुप भी इनको कहा जा, जाता है अब आप लोग जानते हो कि कारबोक्सिलिक एसिड्स में एक सी डबल ओ ग्रुप भी है जो आपने देखा है पहले भी इसकी यूज़ किया है केमिकल रिएक्शंस की हैं इन एल एंड कीटोन्स और एल डी कीटोन्स में तो हमने देखा था कि कई रिएक्शंस होती हैं कार्बोनिल ग्रुप की जब एडिशन हम करते हैं ओवर दी कार्बोनिल ग्रुप तब हमने रिएक्शन विद एच भी की थी यानी कि सब्सटीट्यूशन बाय दैट नाइट्राइल ग्रुप फिर उसके बाद रिएक्शन विद सोडियम बाईसल्फाइट भी की थी जिसको हमने यूज किया था फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स क्योंकि ये एल्डिहाइड डी हाइड ही रिएक्शन शो करते हैं बाकी टाइप के कंपाउंड्स नहीं करते और फिर रिएक्शंस विद ग्रेगनड रिएजेंट करके हमने प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल सभी कुछ बनाया था और एल्डिहाइड डी हाइड में हमने एक और रिएक्शन की थी रिएक्शन विद डेरीवेटिव ऑफ अमोनिया तो ये सारी रिएक्शन जो थी ये कार्बोनिल ग्रुप के कारण सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के कारण होती हैं तो पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसी रिएक्शन शो नहीं करता तो आप लिख सकते हो कार्बो कार्बोक्सिलिक एसिड्स डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप बिकॉज इट इज इन्वॉल्व्ड इन कंजुगेशन तो कार्बोक्सिल ग्रुप की जो रिएक्शन होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में वो सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन होती हैं। तो आप लिख सकते हो कि रिडक्शन रिएक्शन जो है वो कैसे प्रोसीड करेगी अब रिडक्शन रिएक्शन हम करते हैं बाय ट्रीटिंग दर्बॉक्सलिक एसिड विद लीथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइट क्रिस्टल अब ये सॉरी क्या होता है ये कॉपर क्रोमाइट क्या होता है CuCr2O4 ये कॉपर क्रोमाइट हुआ और कॉपर ऑक्साइड साथ में है इसको कॉपर क्रोमाइट कहा जाता है तो इस तरीके से जो कार्बोनिल ग्रुप है इसकी रिडक्शन रिएक्शन होकर हमें प्राइमरी अल्कोहल जो है वो मिल जाती है तो आप लोग यहां पर देखोगे अभी कि कार्बोक्सिलिक एसिड चाहे एलिफेटिक एसिड हो चाहे एरोमेटिक एसिड हो तो अंडर दीज कंडीशन वो रिड्यूस होकर अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल ही बना देता है कॉपर क्रोमाइट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइट तो यहां पर रिडक्शन होकर इससे बन जाएगी इथेनॉल और अगर हम बेंजोइक एसिड यूज करें तो बेंजोइक एसिड से हमें बेंजाइल अल्कोहल जो है वो मिल जाएगी प्लस यहां पर हो जाता है वाटर और एसिड अगर हम यूज़ करें सिमिलर तो इससे हमें अल्कोहल जो है वो ऑब होती है तो जो कार्बोक्सलिक ग्रुप की रिएक्शन हैं वो सिर्फ यही रिडक्शन रिएक्शन हैं जिसमें हम कार्बोक्सलिक ग्रुप की रिडक्शन करके उसको अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये रिडक्शन रिएक्शन जो है ये हम यूज करते हैं या करवाते हैं बाय ट्रीटिंग एसिड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोजन इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइट कैटलिस्ट तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है ये प्रोसीड करती हैं अगर हम वो हाइड्रोजन इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम और पैलेडियम यूज करेंगे तो बेंजीन रिंग की भी रिडक्शन होने के चांसेस रहेंगे इसलिए वो हम इफेक्टिवली यूज नहीं करेंगे तो ऐसे करने के साथ इन रिएक्शन के साथ अब हमारी रिएक्शन ड्यू टू तो क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड भी खत्म हो गई फिर रिएक्शन ड्यू टू तो दी ओ एच पार्ट वो भी खत्म हो गई और अब हमने रिएक्शन ड्यू टू तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी खत्म कर ली हैं तो रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप के बाद जो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस आती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में वो होती हैं रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पार्टिसिपेशन होती है पूरी पूरी जैसे पिछली हमने रिडक्शन रिएक्शंस की थी तो उनमें सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप बेसिकली रिड्यूस हो रहा था <laughs> तो अब हम करेंगे रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप और इन रिएक्शंस में सबसे पहले हम करेंगे डी कारबोक्सी रिएक्शन डी जैसे आप जानते हो कि ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स होता है जिस भी वर्ड के आगे लगे उसके मीनिंग को नेगेटिव कर देता है तो डी कार्बोक्सीलेशन का मतलब होगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ना रहने देना को ना रहने देना मतलब कार्बोक्सिलिक uh, ग्रुप का रिमूवल और लॉस उसको हम कहेंगे डी जैसे पहले हमने डिहाइड्रेशन रिएक्शन डिहाइड्रोजी रिएक्शन भी की हैं तो उनका डिहाइड्रेशन का मतलब था रिमूवल ऑफ वाटर और डी का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप तो यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनकी डी हम कर कैसे सकते हैं तो ये देखने के लिए सबसे पहली बात कि हम फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं यूज करते कॉमनली वी यूज देयर सोडियम सॉल्ट्स तो आप लिख सकते हो दोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो डी कार्बोक्सीलेशन टू फॉर्म एलके्यूज विदा लाइन वेन दीज आर फ्यूज विद सोडा लाइन तो पहली बात तो ये कि कार्बोक्सलिक एसिड जो भी है उसका सोडियम सॉल्ट प्रिपेयर किया जाएगा और फिर उसको फ्यूज किया जाएगा विद सोडा लाइम सोडा लाइम होता है मिक्सचर ऑफ एनएच सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लाइम यानी के सी कैल्शियम ऑक्साइड अब इसमें जो एन एच है वो तो पार्टिसिपेट करेगा इन दी केमिकल रिएक्शन और जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये जस्ट हेल्प करता है इन दी फ्यूजन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है सोडियम सॉल्ट का और एन का ये दोनों डिफरेंट होते हैं हमें इन दोनों को एक ही टेम्परेचर पर मेल्ट करने की ज़रूरत है तो इसलिए ही कैल्शियम ऑक्साइड डाला जाता है जो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स को मॉडिफाई करके एक ही टेम्परेचर पर इनको मेल्ट करवा देता है तो इस तरीके से बनता है यहां पर सोडियम कार्बोनेट और प्लस बन गई मीथेन। अगर हम इससे बड़ा कोई सोडियम सॉल्ट यूज करें बड़ा बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड का जैसे सपोज कर लें कि सोडियम प्रोपेनोएट यूज किया अगर हम इसकी कार्बोक्सीलेशन करें इनको फ्यूज करना होता है यानि कि मेल्ट करना होता है तो तब हमें बिगर एल्केन यानी कि इथेन यहां से मिल जाएगा तो Na2CO3 के लॉस के बाद जो एल्केन बचेगा वो होगा ये इथेन प्लस सोडियम कार्बोनेट अब यहां पर ये बात थोड़ी सी सोचने वाली है कि ये डी रिएक्शन जो मैंने बताई ये प्रोसीड कैसे करती है तो इसको प्रोसीड करना समझने के लिए थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देखने की जरूरत होगी जो मैं आपको अभी बता रहा हूं तो इसके मैकेनिज्म में सबसे पहली बात तो जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये एक स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसलिए जब हम इसको फ्यूज करेंगे या मेल्ट करेंगे तो इसकी आयोनाइजेशन जो है वो बहुत रेडीली हो जाती है यानी कि जो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया यहां पर आर सी एच टू लेते हैं थोड़ा बिगर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट इसमें जो एन ए पॉजिटिव है ये बड़ी इजिली अलग हो जाता है Leading to the formation of this Oxygen अगला ऑफ होगा कन्वर्जन में वो कैसे प्रोसीड करेगा यहां से CO2 टू का लॉस होगा कुछ इस तरह से कि ये वाला जो लोन पेर है ये मूव करेगा इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम और जो नेक्स्ट है ये वाला बॉन्ड ये मूव कर जाएगा इधर कार्बन एटम के ऊपर तो इस तरीके से एक सी ओ टू मॉलिक्यूल तो लूज हो गया और साथ में हमें मिला एक अल्काइल कार्बेनाइन ये क्योंकि इस पाई इस सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस सी एच टू ग्रुप वाले कार्बन का है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन का है जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ही हमने सी एच टू वाले कार्बन पे शिफ्ट कर दिया तो इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इस कारण इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज फिर इसके बाद इसकी इंटरेक्शन होगी विद वाटर उससे ये एक प्रोटोन खींच लेगा और एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें अगर हम वाटर की एडिशन करें तो वाटर से एच पॉजिटिव ये ले लेगा क्योंकि हमें पता है कि अल्काइल कार्बेन आयन जो होते हैं ये कितने स्ट्रांगली बेसिक होते हैं इनकी प्रोटोन अफिनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो कहीं से भी इनको प्रोटोन दिखे यानी कि जैसे वाटर लिया या कोई भी एसिड लें हम तो उससे इमिजिएटली ये प्रोटोन जो है वो खींच लेते हैं तो हमें ये कैसे पता चले कि ये बड़े स्ट्रोंगली बेसिक हैं तो बेटा जी आपने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में एसिड बेसिस की जो स्ट्रेंथ है उसका कंपैरिजन पढ़ा था कि अ वीक एसिड हैज ए स्ट्रांग कंजुगेट बेस वेल अ स्ट्रांग एसिड हैज़ ए वीक कंजुगेट बेस एल्केन्स जो होते हैं ये तो हाइड्रोजन को इन हाइड्रोजन को लूज़ करने की इनकी टेंडेंसी ज़रा भी नहीं होती तो अगर फिर भी हाइड्रोजन का लॉस हम इनका देखें एच पॉजिटिव का तभी इससे ये कार्बेनाइन बनेगा तो इसकी क्योंकि टेंडेंसी है ही नहीं प्रोटोन लूज करने की तो इसका मतलब ये काफी वीक एसिड है और वीक एसिड का कंजुगेट बेस तो बुरी तरह से स्ट्रोंग होगा तो तभी इस कार्बेनाइन की प्रोटोन अफिनिटी जो है वो इतनी ज्यादा है तो चलो जो भी हो जो डी रिएक्शन है जो हम सोडा लाइम के साथ फ्यूज करते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को टू प्रिपेयर एन एलकेन वो कुछ इस तरीके से प्रोसीड करती है फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जेम कंपाउंड्स मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब एक ही कार्बन के ऊपर दो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स लगे हों तो उनको हम जेम से डिनोट करते हैं तो आप एक लाइन लिख सकते हो द जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स द जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन रेडिली सिंपली अपॉन हीटिंग सिंपली अपॉन हीटिंग तो जैसे हम देखते हैं कि ये एक ही कार्बन के ऊपर दो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो ये एक जेम डाई कार्बोक्सलिक एसिड है इसका नाम भी आपने पढ़ा हुआ है मेलोनिक एसिड कहा जाता है इसको इसको जब सिंपली हम हीट करते हैं तब इसकी डी इजीली हो जाती है कि यहां से एक मॉलिक्यूल CO2 का निकल जाने से एक कारबॉक्सले ग्रुप तो खत्म हो जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इस CH2 ग्रुप के साथ जाके अटैच हो जाएगा इस तरीके से इसको CH3 में कन्वर्ट कर देगा और ऐसे हमें एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड जो है वो ऑबटेन होगा तो जो भी जेम कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनकी डिकारबॉक्सीेशन तो सिंपली अपॉन हीटिंग ही हो जाती है इसके लिए कोई हमें स्पेशल मेथड की ज़रूरत नहीं होती कि पहले इनका सोडियम सॉल्ट बनाओ फिर इसको सोडा लाइम के साथ फ्यूज़ करो ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि इनकी डिकारबॉक्सीशन जो है वो तो रेडिली प्रोसीड कर जाती है तो डी रिएक्शन के बाद सेकेंड टाइप की रिएक्शन जो है वो आती है कॉल्ब इलेक्ट्रोलोसिस कॉल्ब इलेक्ट्रोलोसिस तो ये वाली रिएक्शन आप लोग कर चुके हो इन दी मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एलकेन्स जब आपने ये स्टडी किया था कि एलकेन्स जो उनकी प्रेपरेशन हम करते हैं फ्रॉम सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उनका इलेक्ट्रोलोसिस करके और तब हमने इस रिएक्शन की लिमिटेशन भी की थी कि जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले एल्केन्स होते हैं वो इस मेथड से नहीं बनाए जा सकते जैसे हम एक्वा सोल्यूशन लेते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का तो बीच में वाटर तो प्रेजेंट डेफिनेटली होगा ही इसका अगर कर दिया जाए इलेक्ट्रोलोसिस तो तब हमें मिलता है जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो होगा इथेन प्लस टू मोल्स ऑफ सीओ टू प्लस टू मोल्स ऑफ के ओ एच और प्लस वन मोल ऑफ हाइड्रोजन अब ये वाले प्रोडक्ट्स जो हैं बने ये किस तरीके से बनते हैं या जो इलेक्ट्रोलोसिस प्रोसेस है ये कैसे प्रोसीड करता है तो इसके लिए मैं थोड़ी सी इसकी स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन आपको अभी बताने लगा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो जो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ये बींग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट खुद ही आयोनाइज हो जाता है जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये आयनिक कंपाउंड होता है जो पोट के के ऊपर या पोटेशियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जब इसको हम वॉटर में डिजोल्व करते हैं तो इसकी स्पॉन्टेनियसली आयोनाइजेशन हो जाती है यानी कि ये केटन और एनायन में स्प्लिट हो जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट आयोनाइजेशन इसकी हो जाती है तो इस तरीके से हमें एक कार्बोक्सिलेट आयन मिलते हैं और के पॉजिटिव आयन मिलते हैं आयन हैं तो नो डाउट ये वाटर में डिजोल्व होंगे एक्वा सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे फिर अगर हम वाटर में कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें तो वाटर की भी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाती है तो जब हमने पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में ऐड किया तो वाटर भी आयोनाइज होकर बना देता है दो मोल एच पॉजिटिव आयंस और दो मोल ओ एच पॉजिटिव आयंस हैं वो एज सच तो एग्जिस्ट नहीं करते इन पर अगर हम इनको ऐसे ही लिखें तो जो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन है वो थोड़ा इजीली समझ लग जाता है अदरवाइज एच थ्री ओ पॉजिटिव भी लिखा हो तो रिएक्शन बिल्कुल इसी तरीके से ही प्रोसीड करेगी अब इलेक्ट्रोलोसिस जब हम करते हैं तो उसमें एक एनोड होता है एक कैथोड होता है एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो एनोड के ऊपर जाएंगे एनायन तो व्हाट विल हैपन एट एनोड एनोड पे हो, होगी ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन यहां पर होनी है जो कार्बोक्सिलेट आय हैं ये दोनों इनाइन जाएंगे एनोड पे तो जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है वो इनसे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींचा हुआ है वो कैप्चर कर लेगी गेन कर लेगी और इस तरीके से हमें एक न्यूट्रल ग्रुप मिलेगा जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा पहले तो ऑक्सीजन के पास एट इलेक्ट्रॉन्स थे पर अब ऑक्सीजन के ऊपर देखो तो सेवन इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई देते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड में दो ऊपर में दो नीचे लोन पेयर में सिक्स हुए और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है टोटल मिलाकर हमारे पास यहां पर सेवन इलेक्ट्रॉन्स हुए ओवर ऑक्सीजन तो ये इसका ऑक्टेट अगर कंप्लीट नहीं है तो ये अनस्टेबल होगा काफी अनस्टेबल है तो इसकी टेंडेंसी काफी स्ट्रॉन्ग होगी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट तो मैं अनपेड इलेक्ट्रॉन को थोड़ा इस तरह से नीचे करके लिख रहा हूं तो दूसरा जो इस तरह से ही रिएक्टिव स्पीशीज आएगी तो अब ऑक्सीजन आपको पता है कि कार्बन से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और अगर ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई तो कार्बन से ये बहुत इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी तो जो कार्बन का बॉन्ड है विद विद अदर कार्बन कार्बन ऑफ़ ग्रुप ग्रुप उस में से ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को ट्रांसफर करवा लेगी तो कार्बन और ऑक्सीजन में फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा इसी तरह से ही दूसरे ग्रुप में से भी बिल्कुल ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो हमें यहां पर मिलेंगे टू मोल्स ऑफ सीओ गैस होती है और फिर साथ में जो दोनों मिथाइल ग्रुप वाली कार्बन के ऊपर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आया तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स शेयर होकर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे तो हमें इस तरीके से इथेन जो है वो ऑबेन हो जाएगी तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब हमने सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलोसिस किया तो एट एनोड हमें एल्केन मिला और साथ में सीओ टू भी और वट विल हैपन एट कैथोड कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होती है तो कैथोड की जो रिडक्शन रिएक्शन है वो मैं अब यहां पर डिस्क्राइब करने लगा हूं तो एट कैथोड कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड और कैथोड में डिफरेंस बस यही होता है कि जो चार्ज होता है ओवर द इलेक्ट्रोड्स वो डिफरेंट होते हैं बाकी सारे काम सिमिलर होते हैं कैथोड पे है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नेगेटिव चार्ज तो इसके ऊपर जाएंगे केटाइंस अब केटाइंस कौन कौन से अवेलेबल हैं सॉल्यूशन में के पॉजिटिव आइंस भी प्रेजेंट हैं और एच पॉजिटिव आइंस भी प्रेजेंट हैं तो ये दोनों टाइप के केटाइंस जो हैं ये नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जाकर रिडक्शन होनी है तो रिडक्शन किसकी होगी ये आप लोग पढ़ते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जब आप एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखते हो तो तब आप बात करते हो कि जिस भी सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो उसकी रिडक्शन होती है तो यहां पर के पॉजिटिव और एच पॉजिटिव में हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल तो जीरो होता है पर अल्कली मेटल जैसे के पॉजिटिव है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है तो जीरो की वैल्यू नो no डाउट नेगेटिव वैल्यू से ज्यादा है तो इसलिए कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस कि हाइड्रोजन की H पॉजिटिव आयंस की रिडक्शन होगी इससे बन जाएंगे दो मोल नेसेंट हाइड्रोजन जो इमीडिएटली कंबाइन होकर H2 गैस बना देंगे तो कैथोड के ऊपर K पॉजिटिव एज सच बचे रहे और एनोड के ऊपर मैंने कार्बोक्सिलेट आयन की ऑक्सीडेशन करवाई थी OH नेगेटिव की नहीं तो एनोड वाले केस में OH नेगेटिव बचे रहे थे कैथोड में के पॉजिटिव बचे रहे तो मतलब ये दोनों मिलकर फ्री के ओ एच तो बना ही लेंगे तो इस तरीके से जो मैंने सबसे पहले ओवरऑल रिएक्शन लिखवाई थी वो चलेगी वो कंप्लीट होगी ओवरऑल रिएक्शन में आपने लिखा था कि दो मोल हमने पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था इसका एक्व सॉल्यूशन जिसमें दो वाटर मॉलिक्यूल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं तो इनका इलेक्ट्रोलोसिस किया गया था तो हमें एक मोल मिला था इथेन प्लस दो मोल सीओ टू तो ये जो कंपाउंड्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं ये हमें मिले थे एनोड पर जब ऑक्सीडेशन हुई थी कार्बोक्सिलेट आयन की और कैथोड पर हमें मिला H2। और जो अनरिएक्टेड स्पीशीज थी के पॉजिटिव और एच ओ एच नेगेटिव बची रह गई थी तो वो हमें ऐसे ही रिएक्शन में पड़ी हुई मिलेंगी तो इस तरीके से ये ओवरऑल रिएक्शन जो है प्रोसीड करती है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलोसिस एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये रिएक्शन हमने अभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी की और इससे पहले हम ये रिएक्शन एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में भी कर चुके हैं तो मैंने दोबारा से इसको पूरा डिस्क्राइब किया है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है वो रिएक्शन किए हुए और हो सकता है कि अभी थोड़ी बहुत आप भूल चुके हो तो इस तरीके से बाय कॉल्स इलेक्ट्रोलोसिस हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो एल्केन्स हैं वो बनाए जा सकते हैं अब इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी इस रिएक्शन की तो पहली बात तो आपने देखा कि दो जो कंपाउंड्स हैं या दो आयनिक जो कंपाउंड्स हैं पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उनके कंबिनेशन से एल्केन बना है तो जो सबसे स्मॉलर एल्केन हम इस मेथड से बना सकते हैं वो है इथेन तो इस रिएक्शन से मिथेन नहीं बनेगा तो आप लिख सकते हो लिमिटेशन नंबर वन मिथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड मीथेन कैन नॉट बी बाय दिस मेथड और सेकंड लिमिटेशन जब हम एलकेन बना रहे थे तो हमने लिखे थे दो जो ये कार्बोक्सिलेट आयन आफ्टर ऑक्सीडेशन बने थे तो वो दोनों में से दो मोल सीओ टू निकलकर दो एल्काइल ग्रुप से एक दूसरे के साथ अटैच हुए थे अगर तो हमने सिर्फ एक ही पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया एक टाइप का ही नॉट ओनली वन मॉलिक्यूल पर एक टाइप का ही तब तो हमारे पास एक ही एल्केन बनेगा अगर हम दो डिफरेंट टाइप का अगर लें जो पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है मतलब अगर हम ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन बनाने की कोशिश करें तो तब हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ बन जाएगा, जैसे रिएक्शन में हुआ था के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में अगर तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला एल्केन बनाना हो तो तब तो बिल्कुल मिडल ऑफ द मॉलिक्यूल में लाइन लगाओ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस कार्बन से लगा दो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस कार्बन से लगा दो यानी कि प्रोपेनोइक एसिड तो इनके सोडियम या पोटेशियम साल्ट का अगर हम इलेक्ट्रोलोसिस करेंगे तो हमें ब्यूटेन मिल जाएगी जैसे इथेन बनानी है तो इस केस में इस मिथाइल ग्रुप के साथ भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाओ जैसे ये और दूसरे के साथ भी लगाओ और उनका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो इथेन मिल जाएगी बड़ी इजीली पर अगर हम बनाने लगे प्रोपेन बाय दिस मेथड तो अब हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ेगा जिसमें अल्काइल ग्रुप में दो कार्बन हैं और एक में एक तो तब मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमने यूज किया तो उस केस में हमें मिक्सचर ऑफ एल्केन्स ही ऑब्टेन होगा ना कि एक सिंगल एल्केन तो इस तरीके से जो दूसरी लिमिटेशन है कि वो ये होगी आप लिख सकते हो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रेपरेशन ऑफ हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ओनली हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ओनली एंड इज नॉट सुटेबल प्रेपरेशन ऑफ एलके विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बायकॉल्स इलेक्ट्रोलोसिस भी हमने जो एलके वो बना लिए बाई इलेक्ट्रोलोसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फिर इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ही थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन तो यह हम स्टडी कर, करेंगे रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन ये एक डाई मोलिकुलर स्पीशीज होती है डाई सॉरी डाईटोमिक मोलिकुलर स्पीशीज होती है दो ब्रोमीन एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो ये रिएक्शन आपने पहले भी हेलो एल्केन्स की प्रेपरेशन में की थी जिसको हम कहा करते हैं हंड्स डीकर रिएक्शन तो कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करती है बड़ी सिंपल रिएक्शन है जैसे मैंने यहां पर सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड यूज किया सिल्वर इथेनोएट या सिल्वर एसिटेट इसमें अगर ब्रोमीन ऐड की जाए ब्रोमीन एक रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है इसको डिजोल्व किया जाएगा सी फोर में मतलब किसी नॉन पोलर नॉन एक्वा सॉल्वेंट में तो उसमें डिजोल्व करके अगर हम यूज करें तो तब रिएक्शन क्या होगी यहां से बीच में से मिडल में से सीओ टू मॉलिक्यूल जो है इट विल बी लॉस्ट तो दोनों एटम्स एक बॉन्ड कार्बन का ब्रेक हुआ एक सिल्वर का दोनों को एक एक ब्रोमीन मिल जाएगी तो इस तरीके से जो हमें हेलो एलकेन हुआ उसमें एक कार्बन है यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट था ओरिजिनल उसमें से एक कार्बन एटम कम हो गया तो जो हंडी कर रिएक्शन है ये डेफिनेटली यूज की जाएगी फॉर स्टेपिंग डाउन द होमोलोगस सीरीज तो आप लिख सकते हो since the product haloalkane obtained since the product haloalkane obtained contains one carbon atom less than contains one carbon atom less than the parent Silver salt of carboxylic acid, comma. Therefore, the reaction can be used, therefore, the reaction can be used for stepping down the series, for stepping down the series. तो जिस भी किसी रिएक्शन में हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिक्रीज करते हैं उन रिएक्शन को हम स्टेपिंग डाउन द सीरीज वाली कैटेगरी में रखते हैं तो यहाँ पर हमने देखा अभी कि अगर हम ब्रोमीन की रिएक्शन करवाएं विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डेफिनेटली डिक्रीज हो रहे हैं और फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन है ये भी हमने की हुई है पहले दैट इज डिस्टिलेशन मतलब इन दबेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट की डिस्टिलेशन करें तो इस रिएक्शन से हमें डिफरेंट एल्डी और कीटोन जो हैं वो ऑब होते हैं तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि जो एलडी है वो तो प्रॉफिटेबली या अच्छी में सिर्फ एक ही बनता है दैट इज फॉर्मेल्टी तो फॉर्मेल्टी बनाने के लिए हम फॉर्मिक एसिड या एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लेते हैं और इसकी करेंगे हम ड्राई डिस्टिलेशन यानि कि इसको हीट करेंगे वेपोराइज करेंगे और फिर वेपर्स को कंडेंस करेंगे इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर। तो ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे जब हम तब यहां से एक मॉलिक्यूल जो है CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट का वो लूज हो जाएगा और हमें ऑब्टेन होगा फॉर्मेल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से हमने ये एल डी के मैथड ऑफ प्रेपरेशन में भी पढ़ा था इसी रिएक्शन को ही अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्चुअली दो दो कैल्शियम मिथेनोएट मॉलिक्यूल जो हैं या स्पीशीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं रिएक्शन में लाइक like दिस ये दो मैंने यूनिट्स लिए इनकी की ड्राइड डिस्टिलेशन, तो यहां पर लिखना थोड़ा ज्यादा इजी रहता है कि इस तरह से दो मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हमें ऑब्टेन होगा तो दो मोल सी ए सी ओ थ्री निकल गया और इस कार्बन का बॉन्ड बनेगा विद दिस हाइड्रोजन तो इस तरीके से हमें दो मोल फॉर्मेल्डिहाइड बना प्लस टू मोल्स ऑफ सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट तो इस तरह से रिएक्शन लिखनी ज़्यादा सूटेबल रहती है क्योंकि ऐसे एक्चुअली हम शो कर सकते हैं कि कैसे कैसे करके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बने तो मैंने आपको बताया कि ये वाला मेथड जो है ये एल्डिहाइड्स में सिर्फ फॉर्मेल बनाने के लिए सूटेबल है बाकी एल्डिहाइड्स के लिए ये उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा क्यों अगर सपोज कर लो कि हमें बनाना हो कोई और एल्डिहाइड, जैसे सपोज कर लो कि ये इथेनली बनाना है तो उसके लिए मुझे एक तरफ तो फिर इथेनोइक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट यूज करना पड़ेगा तो इस तरह से करेंगे तब तो सिंपली दो मोल बन गया इथेनल तो फिर प्रॉब्लम वाली बात कहां हुई फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा एक और एल्डिहाइड बन गया पर यहां पर अगर आप रिएक्टेंट्स में देखो तो मैंने दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम के के सॉल्ट यूज किए हैं ये तो एक केस होगा कि जब कैल्शियम इथेनोएट के सामने कैल्शियम इथेनोएट आए तब बनेगा इथेनल या एसिडल्डिहाइड पर अगर ये भी इक्वली प्रोबेबल होगा कि कैल्शियम इथेनोएट के सामने कैल्शियम इथेनोएट ही आ जाए तब आपको मिल जाएगा एक कीटोन और अगर कैल्शियम मिथेनोएट के सामने कैल्शियम मिथेनोएट ही आ गया तो फिर आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा तो इस तरीके से अगर हम बड़े एल्डिहाइड्स बनाने की कोशिश करें तो तब हमें मिक्सचर ऑफ डिफरेंट जो एल हैं वो ऑबटेन हो जाते हैं तो इसी तरीके से ही ये वाला जो रिएक्शन है जो मैंने एक सिंगल ऊपर स्पीशीज से रिप्रेजेंट की है वो लिखनी थोड़ी ज्यादा इजी है और कीटोन्स में भी हम देखते हैं कि ये वाला जो मेथड है इससे सिमिट्रिकल कीटोन्स जो हैं वो इजीली बन जाते हैं अच्छी यील्ड में बन जाते हैं बाकी के कीटोन्स जो हैं वो इफेक्टिवली नहीं बनते जैसे अगर कैल्शियम ये लें कैल्शियम इथेनोएट का हम करें अगर ड्राई डिस्टिलेशन तो तब सी एच थ्री फिर सी डबल बॉन्ड हो और फिर से सी एच थ्री इधर बन जाएगा तो तब एसीटोन तो ही बन जाएगा पर अगर हम कोई और की टोन बनाना चाहें अनसिमेट्रिकल तो एक तरफ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे दूसरी तरफ डिफरेंट तो हमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कैल्शियम जो सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो यूज करने पड़ेंगे और इस तरीके से जो रिएक्शन हम करेंगे फिर उससे डिफरेंट हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा प्रोडक्ट्स का तो आप एक लाइन लिख सकते हो कि दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रेपरेशन ऑफ Formaldehyde and other symmetrical ketones. Full stop. In case of preparation of other aldehydes or unsymmetrical ketones. मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्टर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट कार्बोनल कंपाउंड विल बी ऑबेन्ड तो इस तरीके से ये जो डी हमारे पास थी कि ड्राइडिलेशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिससे हमने एल्डिहाइड या कीटोन की टोन बनाए वो रिएक्शन ख़त्म होती है